लाल किले की प्राचीर पर झंडा रोहण के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज ग्रैंड एंट्री हुई। इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे देख हर किसी की नजरें पीएम के काफिले पर टिक गई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की तरफ रवाना हुए तो पूरी दुनिया की निगाहें उनकी कार पर अटक सी गईं। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री उनकी रेंज रोवर सेंटिनेल से हुई। ये दुनिया की सबसे सुरक्षित और खतरनाक कारों में से एक है। तो चलिए अब आपको बताते हैं पीएम नरेंद्र मोदी की रेंज रोवर सेंटिनेल की खासियत क्या है, कि आखिर क्यों इस कार को दुनिया की सबसे सुरक्षित और खतरनाक कार माना जाता है। पीएम मोदी की रेंज रोवर सेंटिनेल किसी भी तरह के हमले को आसानी से झेल सकती है। यही कारण है कि इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में शुमार किया जाता है। ये एक आर्म्ड व्हीकल है जिस पर बम और गोलियों का असर नहीं पड़ता। इसके सेफ्टी फीचर्स का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये IED ब्लास्ट तक को आसानी से झेल सकती है। पीएम मोदी की रेंज रोवर का टायर डैमेज होने के बावजूद 100 किलोमीटर तक आसानी से चल सकती है। ये कार पानी, कीचड़ और पत्थरों के बीच भी आसानी से चल सकती है। पीएम मोदी की कार की सबसे बड़ी खासियतों में से एक इसका गैस और केमिकल हमले को आसानी से झेल जाना है। यानी इस कार के अंदर बैठा व्यक्ति जितना बम और गोलियों से सुरक्षित है, उतना ही वो किसी भी तरह के रासायनिक हमले में सुरक्षित रहेगा। रेंज रोवर सेंटिनेल को दुनिया की सबसे ताकतवर कार माना जाता है। इसका कारण ये है कि इसमें जगुआर सोर्स 50 लीटर सुपरचार्ज V8 इंजन लगा है, जो 375 BHP की मैक्सिमम पावर और 508 Nm का पीक टार्क जनरेट करता है। पीएम मोदी की रेंज रोवर रफ्तार के मामले में बेमिसाल है। ये कार महज 5.3 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। इसमें 218 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड मिलती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी की रेंज रोवर की कीमत 10 से 15 करोड़ के बीच है। इसमें पीएम मोदी की सुरक्षा और पसंद के हिसाब से कई फीचर्स को कस्टमाइज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत TV।